सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ी बेहद ही दर्दनाक ताज़ा खबर सामने आ रही है। 40 घर पूरी तरह खत्म हो गए हैं, 4 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस बड़ी घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कोहरा मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दुखी हुए हैं, साथ में उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है। इस बड़ी घटना से पूरे क्षेत्र में कोहरा मचा हुआ है। चलिए क्या है पूरा मामला देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की बताई जा रही है। कुशीनगर के एक गांव में करीब दोपहर 2 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई। उस समय जब चिलचिलाती धूप ऊपर से पड़ रही थी और साथ में भयानक भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है और इसके हादसे में ये बड़ा घटना हुआ है। दोपहर एक गांव के घर में खाना बनाया जा रहा था, तभी गैस सिलेंडर में भयानक विस्फोट होता है जो कि पल भर में फैले कुछ लोगों को घरों को अपनी चपेट में लेता है और देखते ही देखते ये आग इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि 40 घर इसकी चपेट में आ जाते हैं। गांव के लोगों में चीख पुकार मच जाती है और सभी लोग गांव छोड़कर यानी कि अपने घरों को छोड़कर भाग जाते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं रेस्क्यू का काम भी करते हैं और बाल्टी में पानी भर भर कर उनको बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतना विकराल थी और दोस्तों साथ में यहाँ पर भीषण गर्मी थी कि लोग आग के सहारे भी नहीं जा पाए। इसके बाद मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुँचती है और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचती हैं। तब तक इस गांव के 40 घर चपेट में आ जाते हैं जो कि जलकर राख हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि घरों में मौजूद अनाज जलकर राख हो जाता है, कपड़े भी जल जाते हैं और यहां तक कि पशु पक्षी जो भी घर के पालतू हैं सभी जलकर राख हो जाते हैं। हालांकि काफ़ी को बचा लिया गया है, लेकिन इस बड़ी घटना ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ में संताप न देना कमेंट में बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको बताना चाहेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर बेहद ही दुखद हुए हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को एक्शन दिया है। यहाँ पर DM रमेश रंजन और SP धवल जायसवाल घटना पर पहुंचकर सभी का जायजा लिया है और पीड़ितों को हर संभव आर्थिक मदद दी जाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे इसमें मरने वालों में अब तक 3 लोगों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें 65 वर्षीय ठाकुर राजभर, इसके अलावा 8 वर्षीय सोनामिका और दोस्तों 6 साल की सौम्या, ये लोगों की मौके पर ही जान जा चुकी है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी 12 जनों से अधिक लोगों जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तैतरिंग ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।